नहीं, उसको पैर सीधे रखने को बोल दिया है, वो नीचे आ रहा है शायद। राजा का महल आ गया। अच्छा, ये इनका सारा मैम प्रांगण है। ये टोटल ये देखो राजा रूपी कुल्लू। अच्छा, बराबर। और ये उन्हीं का स्टाफ सारा होगा ना आसपास? ये टोटल सारा, ये उन्हीं की गाड़ियां वगैरह सब उन्हीं का चला हुआ है सारा। सलोंग वैली में आ चुके हैं और ये देखिए पूरा हमारे चारों ओर जो उसका मेडोज बोलते हैं, पीछे भी पैराग्लाइडिंग हो रही है और यहाँ पास पास में सारी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। एक तरफ पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, वहाँ पे उसका टिकट काउंटर है और आप देखो तो यही ग्राउंड में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ हिमाचली तो अच्छी खासी हाइट पे जाता है। ये पीछे वाला है सर, ये पता किसमें जा रहे हैं? हाँ। ये यहाँ से जा रहे हैं रोपवे में ऊपर। अच्छा, ऊपर है इनका सेंटर पैराग्लाइडिंग वालों का। ओके। ये ऊपर से करा रहे ग्लाइड और ये रोप पे भी ऊपर जाती है। और अगर स्नो की सीजन में यहाँ पे ऊपर से स्की भी करवाते हैं। तो ये तो था मेडोज सेलोंग वैली का, जो कि फुल ऑफ एक्टिविटी से भरा हुआ। अब चलते हैं बिल्कुल इससे अपोजिट सेंज वैली में। सांडगढ़ करके एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर मेडोज है वो देखने के लिए, जो कि एकदम शांति से भरा हुआ। और जैसे आप यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, आप और नेचर दोनों एक साथ। तो चलिए इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं।
हाय मेघा। हेलो। जैसे हम स्वर्ग स्वर्ग में आ चुके हो। जब हम आ रहे थे पहाड़ों से तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा सा मैदान होगा। तो ये भी एक अजूबा ही है कुदरत का। हाँ, इतनी इतनी हाइट पे इतना फ्लैट लैंड, वो सच में एक मिरेकल ही आप बोल सकते हो। चारों ओर आप देख सकते हो कि ये देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं। जैसे नेचुरली एक बाउंड्री बना दी है कुदरत ने, और इसके बीच पूरा मैदान है मेडोस में। ये बोधा जी का मंदिर है। इसी तरह हमारी मनाली सीरीज़ में बने रहिए, और बहुत ही आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।